नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि लैंडर विक्रम से चंद्रयान 2 का जो लैंडर था विक्रम, उससे इसरो का संपर्क टूट चुका है और ये क्यों टूटा, कब टूटा, कहां तक ये सही था, उसके बाद कैसे अचानक संपर्क टूट गया, आइए जानते हैं इस वीडियो में दोस्तों, बने रहिए। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई थी 22 जुलाई दोपहर 2:45 बजे के आसपास। उसके हिसाब से तकरीबन 50 दिन के आसपास उसे 7 सितंबर को 1:55 के आसपास सुबह सुबह उसको चंद्रमा के धरती पर लैंड करना था। लेकिन दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि इसरो का लैंडर विक्रम से संपर्क टूट चुका है। आइए जानते हैं दोस्तों संपर्क कैसे टूट गया और क्यों टूट गया। इसरो ने विक्रम लैंडर की जो डिसेंट की प्रक्रिया है वो तकरीबन 1:38 पे चालू की और उसके बाद जब ये प्रक्रिया चालू है रफ ब्रेकिंग की प्रक्रिया चालू होने का मतलब है कि सीधे सीधे 15 मिनट के अंदर विक्रम लैंडर चंद्रमा की धरती पर लैंड कर जाता। दोस्तों ये प्रक्रिया चालू हो चुकी थी 1:38 पर और 1:46 पर विक्रम लैंडर तकरीबन 75 किलोमीटर था जहां उसे लैंड करना था दोस्तों। अब आया 1:49 जहां पर रफ ब्रेकिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। अब सिर्फ लैंडर विक्रम चंद्रमा की धरती से 400 मीटर दूर था दोस्तों, 1:51 के करीब दोस्तों। लेकिन ठीक दोस्तों इसी के बाद से इसरो को कोई भी सिग्नल मिलना नहीं चालू हुआ, मतलब जैसे ही प्रक्रिया कंप्लीट हुई नीचे जाने की, जहां से 400 मीटर दूर था चंद्रमा की धरती से विक्रम लैंडर, वहीं से इसरो का संपर्क लैंडर से टूट गया। इसरो का अभी भी बोल रहा है कि हमें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है विक्रम लैंडर से, और विक्रम लैंडर का सिग्नल न मिलने की वजह से हम अभी भी रुके हुए हैं। हालांकि ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि विक्रम लैंडर हो सकता है कि चंद्रमा की धरती पर लैंड करने के बाद क्रैश हो चुका हो, इसकी वजह से हमें कोई संपर्क न मिल पा रहा हो, शायद हमारी सॉफ्ट लैंडिंग न हुई, हमारी हार्ड लैंडिंग हुई हो, इसी की वजह से हमें कोई सिग्नल, शायद उनका इक्विपमेंट टूट गया हो इसलिए कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। हालाँकि इसरो अभी भी वेट कर रहा है कोई ना कोई सिग्नल मिलेगा। अभी भी उन्होंने ऑफिशियल बयान नहीं दिया कि ये मिशन पूरा फेल हो चुका है, हमारा 900 करोड़ रुपया बर्बाद हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है, इसरो सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, वहाँ पे सभी लोग मौजूद थे। हालांकि सभी लोगों ने इसरो की बधाई दी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने अच्छा ट्राई किया, आगे करते रहिए, हम डेफिनेटली एक दिन चंद्रमा पर जरूर से ज़रूर लैंड करेंगे और वहाँ पर इंडिया का झंडा जरूर से ज़रूर गाड़ देंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये चंद्रयान 2 से हमारे चंद्रयान जो मानव रहित विमान भेजने वाला है इसरो 2022 में, उस पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि अगर ये सक्सेस हो जाता तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ मदद इससे मिल जाती चंद्रयान के मानव रहित वाला मिशन के अंदर। हालांकि दोस्तों हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये स्पेस मिशन था, ये बहुत साहसिक मिशन था। बस दोस्तों 15 मिनट का काम था, उसमें से भी हम 2 मिनट पास कर चुके थे, उसके 13वें मिनट के बाद ही ये संपर्क टूट गया दोस्तों, नहीं तो 15 मिनट में इसरो इतिहास रच देता, इंडिया चौथा कंट्री बन जाता जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा के, वो भी साउथ पोल पर, ऐसा कृतिमान करने वाला पहला देश बन जाता है। इंडिया भी उस एलाइट ग्रुप में शामिल हो जाता है जिसमें रसिया, चाइना और यूएस है। हालांकि दोस्तों जो विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह पर ले जाने वाला था जो उसमें सेपरेट हुआ था ऑर्बिटर, वो अभी भी काम कर रहा है, वो कंटिन्यूस 1 साल काम करता ही रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।